हाई एवरी वन इन एंथ्रोपोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर पेपर वन टू डे विल बी डिस्कसिंग टॉपिक टू पॉइंट फाइव पार्ट वन सो लेट्स बिगिन सी हम टू पॉइंट फाइव को दो पार्ट्स में कवर करेंगे और आज के लेक्चर में हम कंसिंगटी इन इफिनिटी देन प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ डिसेंट देन एट दी एंड फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे ऑफकोर्स वी विल स्टडी ऑल दीज अलॉन्ग विद दी वैल्यू एडिशन एंड सम केस स्टडीज और ये जो केस स्टडीज हम पढ़ेंगे दैट दैट कैन बिकम हैंडी फॉर यू इन पेपर टू एज वेल क्योंकि ये ट्राइबल से रिलेटेड है और आप इसको पेपर टू में भी यूज़ कर सकते हैं बता सकते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो वाली होती है जहाँ पे आपकी शादी होती है ठीक है और आपके जो स्पाउस हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं लाइक उनके फादर उनकी मदर देन द सिबलिंग्स और भी जो उनसे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं ये सारे जो लोग हैं इनको आप एज अ किन्स काउंट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली ये आपके किनशिप के डेफिनेशन के दायरे के अंदर आती है और दो और अलग अलग टाइप्स होंगे हम वो सारे आगे पढ़ेंगे बट सिंपली आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि किनशिप हम इनको कह सकते हैं ठीक है तो जो किनशिप है ये बेसिकली आपके दो ब्रॉडर कैटेगरीज़ में अभी आप इनको देख सकते हैं वन इज़ कंसिंगियल एंड अनद्र वन इज एफिनल यानी कि कंसिग्विनियल जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हो गए और ब्लड रिलेशन की वजह से जो भी आपके किन्स है और दूसरे आपके जो मैरिज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो वाले किन्स ठीक है वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी अपने अपने राय दिए थे और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी उन लोगों ने दे रखी है दैट वी विल सी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबिन फॉक्स ने एक सिंपल uh, लैंग्वेज में बताया था कि जो स्टडी होती है जो कि मैन uh, के रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है इन वेरियस रोल्स लाइक मेटिंग जस्टेशन पेरेंट हुड सोशलाइजेशन इनको स्टडी करने वाले uh, जो चीज़ होती है दैट वी रेफर एज किनशिप ठीक है और आगे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोसाइटीज़ में किनशिप के अलग अलग मायने होते हैं और अलग अलग तरीके से हम उनको देखते हैं और बोलते हैं ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए आपके जो पिता के भाई हैं वो चाचा है तो हर एक कम्युनिटी में आपको इसी तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिले वी विल सी आगे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और क्या क्या होता है ठीक है और फैमिली और किनशिप इनमें भी एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं थिन लाइन है तो वो समझने भी आपको बहुत ज़रूरी है अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली आपके रिलेशनशिप को डोनेट करती है Uh, जो आपके आपके स्पाउस के साथ हो जो आपके आपके बच्चों के साथ हो ये सारे रिलेशनशिप्स को आपकी फैमिली डिनोट करती है ठीक है या चाहे वो आपके सिबलिंग्स uh, के साथ हो ये आपके फैमिली के अंदर आ जाएगा लेकिन किन्स जो हमने अभी जस्ट बात करी थोड़ी देर पहले कि जो एक्सटेंडेड रिलेशन्स होते हैं दैट इज़ इवेंचुअली रिलेटेड टू योर क्लोज़ रिलेशन्स उनसे जो एक्सटेंडेड रिलेशन्स होते हैं उनको आप किनशिप के अंदर काउंट कर सकते हैं ठीक है तो आई होप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको फैमिली और किनशिप से ठीक है देन हम कुछ डेफिनेशनस की बात करें वेरियस स्कॉलर्स और थिंकर्स ने जो जो डेफिनेशन दिए थे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका uh, ने भी एक डेफिनेशन दे रखा है देन एल स्टोन उन्होंने भी एक डेफिनेशन दे रखा था तो ये सिंपल uh, सी डेफिनेशन है बेसिकली ये आपको काम आएगी जब आपको आंसर uh, राइटिंग करनी हो हम एक दो डेफिनेशन इसमें देख लेते अगर हम एल स्टोन की बात करें तो इन्होंने बताया था कि किनशिप इज़ दी रिकॉग्नीशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन बेस्ड ऑन डिसेंट और मैरिज ठीक है डिसेंट जो आपके बर्थ uh, से रिलेटेड हो गया और मैरिज जहाँ पे आपकी शादी हो रही है एंड इफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड दी अनदर इज कंसीडर्ड बाय देम टू इन्वॉल्व डिसेंट द टू आर कंसिंगविल जो सिंपली हमने अभी यहाँ पे देखा था फर्स्ट पेज में पे ही कि कंसिंगविल जो हो गए जो आपके ब्लड रिलेशन से है और जो एफिनल हो गए जो आपके मैरिज वाले साइड से है ठीक है तो इन्होंने वही समराइज करके यहाँ पे हमें बताया है ये सिंपल सी डेफिनेशन है आप इसको भी लिख के एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं देन डी एन माजिमदार ने क्या डेफिनेशन दी थी ये आपके लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ही वॉज एन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ठीक है और इन्होंने भी अलग अलग सोसाइटीज़ ट्राइब्स को स्टडी किया था तो इनके डेफिनेशन के अनुसार इन ऑल सोसाइटीज पीपल आर बाउंड टुगेदर इन ग्रुप्स टू बाय वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स एंड द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट बेसिक ऑफ दिस बॉन्ड्स विच इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिट ह्यूमन राइट्स इज कॉल्ड किनशिप तो ये भी एक बहुत ब्यूटिफुल डेफिनेशन है एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और इसी के तरीके से आर टॉकिनसन और लॉरेंट डॉसट इन्होंने भी अलग अलग डेफिनेशंस दी थी ठीक है तो जैसे हमने फैमिली और मैरिज के केस में देखा था कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन पे कंसेंसस बन पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था यहाँ पे आप देखेंगे मोर और लेस ऑल दो अलग अलग सोसाइटीज़ के लिए इनके मायने बदल सकते हैं बट ओवरऑल जो एक जनरल डेफिनेशन है दैट रिमेन्स द सेम ठीक है एज अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन हम बात करें अबाउट दी कंटेप्ररी रेलिवेंस ऑफ किनशिप की बिकॉज यू नेवर नो यू पी एस सी ये सवाल आपसे कभी कर सकता है कि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है क्या किनशिप uh, का हम क्यों इस चीज़ को uh, जानना या पढ़ना ज़रूरी है तो सी एज़ वी ऑल नो कि फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी का और जो भी आपके किनशिप्स रिलेटिव्स uh, या रिलेशन होते हैं ये आपको अपने फैमिली के इर्द गिर्द और इन एंड अराउंड पता चलते हैं ठीक है तो so, ये बहुत ज़रूरी है uh, एक कम्यूनिटी uh, और एक कल्चर की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सी uh, आप देखेंगे जो मैरिज रिचुअल्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे uh, अलग अलग कस्टम्स uh, होते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ के ठीक है और उनमें कुछ जो स्पेसिफिक रिलेटिव्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज यू माइट नो इन केस ऑफ हिंदू मैरिजिज़स जो आपके मेटर्नल अंकल है उनका भी कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कुछ रिचुल्स होते हैं जिनमें उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है सिमिलरली आप सबको बेसिकली एक, एक चीज़ तो ज़रूर ही पता होगी एक जूता छुपाई की रस्म होती है इन दिंदू मैरिजिज जिसमें जो लड़की होती हैं जो ब्राइड होती हैं उनकी जो सिस्टर्स होती हैं दे बेसिकली टेक अवे द शूज ऑफ दी ब्रदर इन लॉ ठीक है they, uh, तो अब मान लीजिए किसी के केस में अगर जो ब्राइड है उनकी छोटी बहन हो ही ना और शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट तो वो जो रस्म है वो उनकी जो कज़न्स uh, होती हैं इवन द डिस्टेंस कजन डिस्टेंट कज़न वो भी वो रस्में निभा सकती हैं ठीक है थीके? तो हाउ डू यू नो कि ये कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है मामी क्यों नहीं छुपा सकती मौसी क्यों नहीं छुपा सकती वो कज़न से क्यों छुपा सकती है और किस तरह से आप वो जो देखेंगे कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें तो बेसिकली इन छोटी छोटी चीज़ों को ही पता करने के लिए और इनमें एक टाइप का कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको ये किनशिप का जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये काफ़ी काम आती हैं ठीक है थीगा? हैंडी हो जाती हैं तो ये आप एग्जाम्पल्स इस तरीके से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं ऑल्सो लैंग्वेज और किनशिप के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एंड दैट वी विल सी इट्सल्फ इन दी नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पर आप किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ है किनशिप की जिसमें से फ्यू ऑफ यू दैट यू कैन मैंशन इज एस्कीमोज़ और हवाइन ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग कल्चर में लोगों को संबोधित करने का जो तरीका है वो अलग होता है कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पे वो आ, सभी को फादर के तौर पे ही संबोधित करते हैं कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वो आ, किसी को अंकल किसी को आंटी डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन उस तरीके से करते हैं ठीक है थीके? मतलब हर जगह पे एक टाइप का सिस्टम नहीं होता है एट प्रेजेंट यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि लैंग्वेज और किनशिप के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है हम जब डिटेल में पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज एवरी थिंग विल भी क्लियर टू यू कि अभी हम यहाँ स्कीमोज और हवाइन क्या बात कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? और ये जो बेसिकली जितने भी पैटर्न्स हैं ये जो स्कीमों और हवाई हम बात कर रहे हैं ये भी अलग अलग इन्वायरमेंट और सस्टेनेंस के हिसाब से है तो यानी कि आप इन टर्मिनोलॉजीज़ के आधार पे उस जगह के रहन सहन के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं ठीक है थीके? उनके जो लिविंग पैटर्नस है उनकी जो काइंड ऑफ एन इकोनमी है इन सब के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें पता लग सकती हैं क्योंकि बेसिकली ये किनशिप ही तो है जो वेरियस आ, अदर फैक्टर्स को डिफाइन करती हैं जैसे इनहेरिटेंस कैसा रहेगा या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो कैसे रहेंगे या आपकी मैरिज कहाँ कैसे हो सकती है ये सारी सारी जो चीज़ें हैं ये आपको किनशिप के आधार पर ही पता चलती हैं एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस इवन इन दी कंटेम्प्ररी पीरियड ऑल्सो ठीक है देन uh, कुछ अप्रोचेज़ थे किनशिप को स्टडी करने के लिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन अप्रोचेज़ को एटीन सेवेंटीज और नाइनटीन फोर्टीज़ के बीच का जो पीरियड था इस टाइम पे एल एच मॉर्गन रेडक्लिफ ब्राउन इन सब ने काफ़ी स्टडीज़ करी थी अपॉन द किनशिप और एल एच मॉर्गन बेसिकली यहाँ पे आपको वर्थ मैंशनिंग होगा क्योंकि जो किनशिप टर्मिनोलॉजीज अभी हम जस्ट बात कर रहे थे अबाउट दिस स्कीमोज एंड हवाइन ये टर्मिनोलॉजीज मॉर्गन के द्वारा ही दी गई हैं ठीक है और मॉर्गन ने दो बुक्स लिखी थी हमने इस बुक को लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था अबाउट द सिस्टम ऑफ कंसिंगटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली और दूसरी जो बुक थी हमने उसके बारे में भी लास्ट लेक्चर में देखा था तो इस कंसिंगटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली जो बुक थी इसमें इन्होंने अदर जो टर्मिनोलॉजीज uh, थी उसके बारे में बात करी थी ठीक है और इसको हम uh, जो ये अप्रोच था इसको हम क्लासिकल अप्रोच ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज भी कहते हैं ठीक है थीके? तो आप अब बस इतना अभी के लिए याद रख ले कि एल एच मॉर्गन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इन स्टडिंग द किनशिप दूसरा नाइनटीन फिफ्टीज के दौरान एडमंड आर लीच इन्होंने भी किनशिप पे काफ़ी थियोरीज दी थी स्टडीज़ करी थी और इनके हिसाब से किनशिप इज़ नॉट अ थिंग इन इट यानी कि किनशिप का आ, अकेले कोई वजूद नहीं है अगर आप किनशिप को आ, मतलब एक आइसोलेशन में देखें तो उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है और ये जो आ, आपके अदर सोशल इंस्टीट्यूशनस हैं लाइक मैरिज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ये जो रिचुअल्स है या इकोनमी भी इवन ये सारी चीज़ों के आपको इनको एक अलाइनमेंट में देखना पड़ेगा देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ किनशिप ठीक है जैसे हमने बोला कि इनहेरिटेंस भी होता है मैरिज भी कहाँ होता है ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी ठीक है आप ये किनशिप के बेसिस पे डिफाइन करते हो इससे शादी हो सकती है इससे शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमने मैरिज में भी देखा था क्योंकि इसी आपको ये जो फैमिली मैरिज और किनशिप um, है ना आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको काफ़ी इंटर लिंकेजेस करके समझना पड़ेगा तीनों को तभी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और मे बी अगर क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन भी कर पाएंगे ठीक है तो किनशिप का इंपॉर्टेंस आपके फैमिली में भी है आपके मैरिज में भी है प्रॉपर्टी uh, इनहेरिटेंस में भी है सारी जगहों पर भी है ठीक है तो ये एडमंड आर लीच ने इसके ऊपर और भी स्टडीज़ करी और हमें ये सबस्टेंटिट uh, करके ये बातें बताई थी तो ये आपके हो गए दो अप्रोचेस टू स्टडी द किनशिप ना वह मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो आपके यू पी एस सी में मैंशनड है आपके सिलेबस में मैंशनड है दैट इज कंसिंगटी एंड एफिनिटी हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिया था दैट कंसिंगटी कंसिंगल किनशिप आप किसको कहते हैं जहाँ पे आप ब्लड रिलेटिवस की बात कर रहे हो ठीक है और ब्लड रिलेटिव कौन से हो कौन हो सकते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खून का ही रिश्ता तो है राइट देन सिबलिंग्स के बीच का जो रिश्ता है वो भी खून का रिश्ता है देन एफिनल किनशिप हम किसको कहते हैं एफिनल किनशिप आपके वो हो जाएंगे जो आपके मैरिज के ऊपर बेस्ड हैं ठीक है लाइक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो एक एफिनल किनशिप है और राइट right? तो ये दो ब्रॉडर डेफिनेशन हैं हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें भी अलग अलग डिग्रीज होती हैं हेयर यू कैन सी यहाँ पे आप देखिए अगर आपको याद होगा हमने फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन पढ़ी थी और ये फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन पढ़ी थी तो अब इसी के अंदर आप देख लीजिए किन्स की हम बात करें एक तो ये ओवरऑल फैमिली बात कर ली हमने अब अगर हम किन्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपके लाइट ब्लू में आप देख रहे हैं दोज आर कंसिंक्विनियल किन यानी कि ये जितने हैं ये कंसिंक्विनियल किन्स है यानी कि आपस में ब्लड रिलेटिव है राइट अगर आप यही वाला एग्जाम्पल देखें ये फादर है और ये मदर है एंड ये इनके बच्चे हैं अब ये इनके बच्चे हैं तो ये भी बच्चे हैं और ये भी बच्चे हैं तो ये आपस में कंसिंगविन किन होंगे यानी कि ये ब्लड रिलेटिव्स होंगे अब इसकी शादी इनसे हुई है तो वो एफिनल किन होंगे एंड सिमिलरली और भी बाकी जितने यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं ये इसी तरीके से डिफाइन किए गए हैं ठीक है थीके? तो आप इस तरीके के डायग्राम को एग्जामिनेशन में ज़रूर से ड्रॉ करें बिकॉज दैट इज़ वॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स सिंपली अगर आप कितना भी लिख दें और आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है देन हम डिग्री ऑफ किनशिप के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो दो बेसिक चीज़ें होंगी कंसिग्विनल एंड एफिनल अब इसमें भी अलग अलग डिग्रीज होती है जैसे हमने बात करी कि आपकी शादी किसी से हुई है योर और स्पाउस और स्पाउस के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी साथ भी तो आपका कुछ रिश्ता जुड़ता है क्योंकि हमने मैरिज में भी ये देखा था कि मैरिज बस दो लोगों के बीच नहीं होती है इट्स बिटवीन टू फैमिलीज़ राइट अब वो फैमिली हुई है यानी कि वो आपकी भी फैमिली बनी है और आपकी फैमिली बनी यानी कि कुछ तो रिश्ता जुड़ा होगा ना उनसे तो अब हम देखते हैं अलग अलग डिग्रीज़ क्या हो सकती हैं सी बेसिकली तीन डिग्रीज़ होती हैं और तीन डिग्री आपकी होगी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तो प्राइमरी के अंदर आप कॉन्सिगुनल प्राइमरी और कंसि प्राइमरी एफ एन एल और प्राइमरी कॉन्सिगनल हो जाएगा सिमिलरली सेकेंडरी के अंदर आपका सेकेंडरी कॉन्सिगूनल और सेकेंडरी एफ एन एल हो जाएगा एंड सेम गो विद द टर्शरी किनशिप ठीक है अब हम एक एक करके इन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को इन दो सपाट्स में देख लेते हैं अगर आप प्राइमरी किनशिप की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी किनशिप कहे किसको रहे यहाँ पे उसके बारे में हम देख लेते हैं तो ये आपके जो डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं ठीक है आपके डायरेक्ट रिलेटिव्स कौन हो गए अगर हम कंसिक्वेंटल टर्म में बात करें तो आपके डायरेक्ट रिलेटिव uh, आपके मदर uh, है आपके फादर है आपके सिबलिंग्स हैं दे आर योर डायरेक्ट रिलेटिव्स और अगर हम प्राइमरी एफिनल किनशिप की बात करें तो एफिनल यानी कि जो मैरिज के पर्स्पेक्टिव uh, से बनी है तो ऑफकोर्स जो सबसे करीबी हो वो आपके हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता हुआ तो ये प्राइमरी किनशिप जो है दैट इज एज सिंपल एज इट इज़ ठीक है नेक्स्ट इज सेकेंडरी किनशिप सी सेकेंडरी किनशिप को आप बस इस तरीके से सिंपली समझें कि आपने जो आपके प्राइमरी किन्स हैं उनके जो प्राइमरी किन वो आपके सेकेंडरी किन हो जाएंगे ठीक है प्राइमरी किन के प्राइमरी किन यानी कि हम दो स्टेजेस पे अभी तक गए हैं तो आपके प्राइमरी किन कौन हो गए इन केस ऑफ कंसिग्विनल आपके फादर एंड मदर उनके प्राइमरी किन कौन है उनके प्राइमरी किन उनके फादर एंड मदर तो उनके जो फादर एंड मदर दैट इज़ योर ग्रैंड फादर योर ग्रैंड मदर बिकम्स योर सेकेंडरी कंसिग्विनल किनशिप ठीक है यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं देन अगर हम सेकेंडरी एफिनल किनशिप की बात करें तो सेकेंडरी सेकेंडरी एफिनल किनशिप जो आपके प्राइमरी एफिनल हैं उनके प्राइमरी किन आपके प्राइमरी एफिनल कौन थे आपके स्पाउस उनके प्राइमरी किन कौन होंगे उनके मदर उनके फादर राइट right? वो आपके सेकेंडरी एफिनल किन हो गए और इन केस ऑफ मान लीजिए आपके ब्रदर आपके ब्रदर की जो वाइफ होगी वो आपके लिए सेकेंडरी एफ एनल किनशिप हो गई क्योंकि आपके ब्रदर की जो वाइफ है वो भी तो शादी करके आई है जिनका रिश्ता आपके ब्रदर से जुड़ा है ठीक है एंड दैट इज हाउ यू सी दी सेकेंडरी एफ एनल किनशिप ठीक है देन हम बात करें टर्शरी किनशिप की तो अब हमने क्या देखा था प्राइमरी किन के प्राइमरी किन दो स्टेजेस हमने देख लिए थे देन प्राइमरी किन के प्राइमरी किन के प्राइमरी किन ठीक है वो आपके टर्शरी किनशिप के अंदर आ जाएंगे ऑफकोर्स प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी आप देख रहे हैं तो टर्शरी कंसिगेनल किनशिप टर्शरी कॉन्सिनल किनशिप को आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो अगर कोई एक इंडिविजुअल है उसके जो प्राइमरी कंसिग्विनल किन है यानी कि आपके पेरेंट और आपके पेरेंट्स के पेरेंट और उनके जो पेरेंट हैं ठीक है, है? यानी कि तीन पेरेंट तीन जनरेशन हो गया तो वो आपके लिए टर्शरी कंसिग्विनल किन कहलाएंगे ठीक है ये आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लीजिए आपको चीजें समझ में आएंगी राइट right. अगर हम बात करें kin, की तो इसके केस में जो आपके प्राइमरी एफिनल किन है आपके प्राइमरी एफिनल किन हो गए कौन आपके स्पाउस आपके प्राइमरी एफिनल किन के प्राइमरी किन उनके प्राइमरी किन कौन हो गए उनके मदर या फादर के प्राइमरी किन या सेकेंडरी एफ एन एल किन ठीक है जो भी एप्लीकेबल हो तो उनके प्राइमरी किन कौन हो गए यानी कि आपकी जो वाइफ हैं या आपके जो हस्बैंड है उनके ग्रेट ग्रैंड फादर जो हो गए वो आपके केस में टर्शरी एफ एन एल किनशिप के अंदर आ जाएंगे ठीक है आप थोड़ी ध्यान से अगर इसको देखेंगे और समझेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें इतना घबराने वाली भी कोई बात नहीं है दिस इज सो इजी बट कभी कभी जो रिलेटिव्स हैं उनके टर्म्स में समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ठीक है और हम ये देखेंगे आगे क्यों मुश्किल होता है क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड आप ज़्यादा इन जनरेशंस को साथ लेके नहीं चलते हैं ठीक है थीके? बहुत अभी चीज़ें कॉम्पैक्ट uh, हो गई हैं एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर आस टू इमेजिन इवन राइट देन इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप की अगर हम बात कर ले तो किनशिप की इंपॉर्टेंस बहुत चीज़ों में है यूनिटी हारमोनी कोऑपरेशन अमंग रिलेशनशिप ये तो एक जेनरिक सी चीज़ होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि अच्छा ये मेरी मौसी के बेटे की बेटे की शादी हो रही है सपोज उतने दूर तक तो अभी आपकी उम्र भी नहीं है बट उस तरीके से अगर आप देखें तब आपको पता चलेगा कि अच्छा वो कितना इंपॉर्टेंट है उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी में आपका प्रेजेंट होना बिकॉज आप देख रहे हैं कितनी जनरेशन के बाद किसी की वहाँ पे शादी हो रही है तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप काफ़ी पुराने लोगों से मिल सकते हैं तो एक टाइप का ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है तो इन सब वजह से आपका जाना ज़रूरी है अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो आपके कुछ रिश्ते में लगते भी हैं चाहे दूर के ही सही तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे राइट और किनशिप एक गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन भी सेट करती है आप जब भी अपने घर बात करते हो या अपने से किसी बड़े से बात करते हो तो देर इज सम काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स दैट यू डू आदर आदर सत्कार जो भी आप बोल सकते हो आप उनको प्रणाम करते हो नमस्ते करते हो और हाय हेलो जिस भी तरह की रिलेशनशिप में आपको और उस तरीके से आप उनको आ, ग्रीटिंग करते हो राइट तो ये आपके किनशिप के ऊपर ही बेस्ड होता है आप अपनी आ, जो दादी से अगर बात करोगे तो आप उनको हाई ड्यूट तो नहीं बोलोगे राइट आप किसी और तरह से उनको संबोधित करोगे आई कोर्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वैसे ना बोलो आप बोल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप रे, कैसा है बट एक स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं हम दादी को वैसे नहीं बोलते राइट देन uh, जहाँ पे मेरिटल टैबू की बात आती है वो भी आपको किनशिप के ऊपर ही पता चलता है कि आप किससे शादी कर सकते हो किससे शादी नहीं कर सकते अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके चाचा भतीजे मामा कौन लगते हैं तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि अच्छा इनके यहाँ पे मेरी शादी हो सकती या नहीं हो सकती है बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ एन कल्चर दैट यू फॉलो राइट और ये आपके बिहेवियरल बिहेवियर uh, को भी रेगुलेट करती है ऑफकोर्स आपको ये पता होता है कि आपको किसके साथ मजाकिया बिहेवियर रखना है या किसके साथ आपको uh, किस तरीके से पेश आना है ये आपकी किनशिप के ऊपर ही डिफाइन होता है सी इनकी इंपॉर्टेंस भी अगर आप ध्यान से सोचो ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी बिकॉज uh, चाहते ना चाहते हुए आप ये किनशिप के जितने भी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे इन्हीं के अनुसार आपकी जो बिहेवियर पैटर्न होती है वो हो उसी के uh, द्वारा ही रेगुलेट होती है राइट right? और uh, ये आपके वॉचडॉग की तरह काम करता है ऑफ योर सोशल लाइफ ऑफकोर्स देन इन रूरल एरियाज़ और इन ट्राइबल सोसाइटीज़ किनशिप डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लीगेशन ऑफ़ द फैमिल एंड मैरिज ऑल्सो द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड पोलिटिकल पावर कोर्स पॉलिटिकल पावर में भी किनशिप का बहुत uh, एक अहम रोल होता है जब हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे दे आर ऑल्सो वी विल सी एंड ये लोगों को एक दूसरे के रिलेशनशिप को समझने में भी बेटर हेल्प करती है देन ये एक तरीके के सोसाइटी से भी जो हमारा एक रिश्ता है वो बनाती है राइट right? कि आसपास आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो अगर आपको ये किनशिप और इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप शायद अपने जो रिलेशनशिप है उसको इतनी तरी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट ना कर पाओ ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है ऑफ़ द किनशिप दैट यू कैन राइट इफ इन द एग्जाम देन हम फंक्शन ऑफ़ किनशिप की बात कर लेते हैं किनशिप के बेसिकली दो फंक्शन हो सकते हैं वन इज़ वर्टिकल फंक्शन एंड अनदर वन इज़ हॉरिजोंटल फंक्शन वर्टिकल फंक्शन के अगर आप दे, आ, अंदर देखें तो इसमें एक सक्सेसिव जनरेशन् जो होती हैं उस जनरेशन में जनरली आप जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं उनमें शायद आपको ये चीज़ ना देखने को मिले लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं और जो एग्रेरियन सोसाइटीज़ होती हैं उनमें कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कुछ कस्टम्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं ठीक है और ये जो फंक्शंस होते हैं और जो रिचुअल्स होते हैं और जो कस्टम्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं इसे हम कहते हैं वर्टिकल फंक्शन ठीक है function, तो इसी तरीके का एक uh, छोटा एग्जाम्पल आप मैंशन कर सकते हो ऑफ़ द यूरो गुनगुन ऑफ वेस्ट अफ्रीका सो दे आर द बेसिकली अ ट्राइब ऑफ एन वेस्ट अफ्रीका जिनके एक फंक्शन होता है जिसमें वो अपने एंसेस्टर्स को एक तरीके से आप मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं और ये एक मास्क डांस के हेल्प से वो करते हैं और इनमें उनका मानना है कि जो उनके पूर्वज हैं उनकी जो स्पिरिट्स होती हैं ठीक है थीके? ये उनके साथ बातचीत करते हैं कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इनके क्या पर्टिकुलर कस्टम होते हैं बट आप ये जान लीजिए कि हाँ ये इतने जुड़े हुए होते हैं अपने एंसेस्टर्स से अपने पीढ़ियों से अपने जनरेशन से कि इस टाइप के रिचुअल्स और इस टाइप के कस्टम्स को ये फॉलो करते हैं ठीक है और ये कैसे चला आ रहा है आज ये कर रहा है कल को इनके जो बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे होंगे वो इनको सेलिब्रेट करेंगे इनकी स्पिरिट्स को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि उनके बच्चे के बच्चे के जब बच्चे होंगे तब शायद ये तो जिंदा ना हो राइट right? तो ये जो चीज़ें हैं कस्टम्स है ये पास ऑन होती गई विद द जनरेशन देन हॉरिजॉन्टल फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो पीपल uh, की टाइम पीपल टुगेदर अक्रॉस सिंगल जनरेशन थ्रू मैरिज प्रैक्टिसेस तो ये एक जनरेशन में जो भी आपके मैरिज के रिचुअल्स होते हैं प्रैक्टिस होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये डिफाइन करता है कि आप कहाँ शादी कर सकते हैं और कहाँ शादी नहीं कर सकते हैं और वो ऑफ कोर्स जनरेशन में ही होता है ऐसा तो है नहीं कि एक जनरेशन की शादी किसी अगले जनरेशन वाले से हो रही हूँ ऑल दो देर इज अ काइंड ऑफ एन एज डिफ्रेंसेज बट हाँ जनरली तो जो एक उम्र वाले लोग होते हैं उनकी शादी होती है तो ये आपके हॉरिजॉन्टल uh, फंक्शंस के अंदर आ जाएगा ठीक है ऑफ कैनशिप एंड पीपल मस्ट नॉर्मली लुक आउटसाइड फॉर मैरिज पार्टनर क्रिएट अलायंस विद अदर ग्रुप्स यानी कि आप जो आपकी किनशिप है अगर आपके यहाँ पे क्रॉस कज़न या पैरल कजन मैरिज अलाउड नहीं है तो आप जाहिर सी बात है ना कि दूसरे जगह जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि शादी हो सकती है नहीं हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन एक्जोगेमी आपके यहाँ अलाउड है इंडोगेमी अलाउड है ये क्या सारी चीज़ें हैं और ये जो पूरा का पूरा मैरिज का फंक्शन है आप जानते ही है इसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं नॉट जस्ट द रिलेशनशिप ऑफ़ टू पीपल दे आर वेरियस अदर पॉलिटिकल इकनॉमिक एंड सेरेमोनियल पर्पजेज एंड फंक्शन ऑल्सो तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपके हॉरिजॉन्टल फंक्शन ऑफ द किनशिप के अंदर आ जाएंगे ठीक है नाउ द बेसिस ऑफ द किनशिप सी देर वॉज अ फेमस सोशोलॉजिस्ट एच एम जॉनसन इन्होंने छह बेसिस ऑफ किनशिप बताए थे ऑल दो बैक ऑफ द माइंड आपको पता चली गया होगा दैट आप uh, किसी के जेंडर uh, के हिसाब से उनके सेक्स के आधार पर uh, आपकी किनशिप भी डिफाइन होती है लाइक like, वो आपकी नेफ्यू uh, है या नीज है वो आपके ब्रदर है या सिस्टर है ये आप किस बेसिस पे डिफाइन करोगे उनके सेक्स के आधार पे राइट देन जेनरेशन जनरेशन वाइज भी डिफाइन होते हैं लाइक like, आपके ग्रा ग्रेट ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड फादर है या आप जनरेशन देखोगे उसी हिसाब से तो आप बता पाओगे राइट देन क्लोज़ रिलेशन क्लोज रिलेशंस में आपके जो मैरिज पार्टनर्स हैं वो आ जाते हैं आप उसी हिसाब से तो उनको डिफाइन करोगे आप अपने मैरिज पार्टनर अपने हस्बैंड एंड वाइफ का जो स्टेटस है वो किसी और को तो नहीं दोगे ना आप उसी बेसिस पे डिफाइन करोगे देन ब्लड रिलेशन ये बेसिकली यहाँ पे एफ और कॉन्सिग्विनल जो हम बात कर रहे हैं उनके बेसिस पे इन्होंने बताया दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस देन डिविजन्स सी ऑलमोस्ट जितने भी किनशिप्स से आ, आप इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते पेटरनल और मेटरनल आपके नाना इज़ लाइक डिफरेंट पर्सन आपके दादा इज़ अ डिफरेंट वन सिमिलरली गोज विथ नाना नानी चाचा uh, चाची एंड मामा मामी लाइक लाइक वाइज ठीक है और बाइंडिंग थ्रेड अब एफ एन एल और कंसिक्वेन जो आपके एज अ बाइंडिंग थ्रेड एक्ट करते हैं क्योंकि एफ एन एल के आधार पर भी हमने देखा बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनते हैं राइट सेम गोज विद द कंसिक्वेनल साइड उनके साइड से भी आपके बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं तो ये बेसिकली तीन बेसिस हैं जिनको आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं नाउ अब हम नेक्स्ट डिसेंट uh, के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिसेंट के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक डिसेंट और किनशिप के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देती हूँ हम आगे भी डिटेल में उनके डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इट्स बेटर कि आप अभी थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ लें सी किनशिप वाली जो सिस्टम होती है इसमें हम सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं सोशल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पर्सनस ठीक है और ये सोशल रिलेशनशिप आपके ब्लड और आपके मैरिज यानी कि कंसुक्वल और एफ के बेसिस पे होता है और ये सोशल रिलेशनशिप कैसा होता है कि कौन आपके ताया है ताई है कौन आपके मामा है मामी है ये सोशल रिलेशनशिप हुआ लेकिन डिसेंट के केस में क्या होता है ये आपके बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स ही होते हैं बेसिकली जिसको आप अपने पूर्वज एंसेस्टर्स इस तरह के से बोल सकते हो आप उनसे डिसेंटेड हो यानी कि कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकली आपसे रिलेटेड है राइट आपके माता पिता उनके माता पिता से उनके माता पिता तो एक लंबी चेन चली जाती है ठीक है और ये बायोलॉजिकली होते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपका वो मैरिज वाला कंसेप्ट नहीं आता है मैरिज से जो रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं वो कवर नहीं होते हैं इन द केस ऑफ डिसेंट देन किनशिप जो है वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप और नॉन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप दोनों को कंसिडर करती है वाइल डिसेंट ओनली रिलाइज अपॉन द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप ठीक है जाहिर सी बात है मैरिज वाला जो रिलेशनशिप है वो तो आपके बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं हुआ ना देन किनशिप uh, आपके दो टाइप्स जो कि कंसिक्विनल एफिनल में आती है वेर एज डिसेंट में जब हम देखेंगे तो उसमें यूनिलिनियर डिसेंट होते हैं और कॉग्नेटिक डिसेंट होते हैं अब ये यूनिलिनियल और कॉग्नेटिक डिसेंट क्या होते हैं हम आगे देख लेंगे नो नीड टू वरी अबाउट दैट द ओनली पर्पज वॉज कि अभी आपको एक थोड़ा सा जो स्लाइट डिफरेंस है वो पता चल जाए ताकि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए सी प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट दिस इज द डायरेक्टली मैंशन थिंग इन द सिलेबस कि प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट के बारे में आपको बात करनी है तो डिसेंट प्रिंसिपली uh, क्या है डिसेंट uh, बेसिकली आपके एक चाइल्ड uh, जो सोशली एफिलियेटेड ग्रुप है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो किस एंसेस्टर uh, से कहाँ से उनके जो डिसेंडेंट्स कौन हैं ये सारी चीज़ें जो डिफाइन करती हैं दैट इज़ वॉट डिसेंट इज ऑल अबाउट राइट किसी सोसाइटीज़ में जो uh, बच्चे हैं दे आर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट इक्वली ऑफ बोथ फादर एंड मदर एक्सेप्ट दैट द टाइटल एंड द सर नेम आर यूजुअली पास डाउन अलॉन्ग दी एल एल ई लाइन एंड सच सिस्टम इज़ टर्मड एज बायोलैट्रल और कॉग्नाटिक टिक और यूनिनियर क्या है वो देखेंगे और मदर के भी और वो वाला जो होता है दैट इज वॉट नोन एज कॉग्नेटिक और यूनिलियर तब होता है जब वो डिसेंडेंट होते हैं फ्रॉम वन साइड ओनली ठीक है बट डोंट वरी हम इसको डिटेल में भी अभी देख लेंगे और uh, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिलीनियर जो होता है वो आपके ओनली अगल लाइन ऑफ एंसेस्टर्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसकी तरफ इशारा करता है यहाँ पे दोनों नहीं होते ठीक है एंड इट ऑकर्स इन टू फॉर्म्स पेट्रिलीनियल हो सकता है और मेट्रिलीनियल हो सकता है ठीक है रिमेंबर हमने लास्ट uh, क्लास में भी बात की थी व्हाट इज अ पेट्रीलिनियल मीन एंड व्हाट इज अ मेट्रीलिनियल मीन ठीक है तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और ऑफकोर्स पेट्रीलिनियल इज अ मोर कॉमन फॉर्म देन दी अदर देन कॉग्नेटिक फॉर्म की बात करें तो कॉग्नेटिक फॉर्म में आप बोथ द पेरेंट्स हैं दोनों साइड से आपके uh, जो डिसेंडेंट्स होते हैं आप वो ट्रेस करते हैं ठीक है और इसमें आपके मदर और फादर के एंसेस्टर्स जो होते हैं उनके सेम डिग्री आर कंसीडर टू बी विद इन द फैमिली लाइन एंड कॉग्नेटिक डिसेंट ऑकर इन फोर फॉर्म्स बाईलिनियर पैरल एम्बिलीनियर एंड बाईलेटरल सी बेसिकली जो आपके यूनिलीनियर सिस्टम है ये तो uh, उतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं सिंपल सी बात है आपके जो एंसेस्टर्स है अगर आप एक पेट्रिलीनियर uh, या मेट्रीलिनियर जिस भी सोसाइटी के हैं उसके अनुसार आप इजिली ट्रेस आउट कर सकते हैं लेकिन कॉग्नेटिक में क्या होता है आपको दोनों साइड से करना है और उन दोनों साइड्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं एज यू कैन सी बाइलिनियल होता है पैरल होता है एम्बिलीनियल होता है एंड बाइलेट्रल होता है अब ये क्या होते हैं एक एक करके हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो हमने भी बात की ये समराइज करके एज यू कैन सी यहाँ पे यूनिलिनियल डिसेंट है इसमें आपके पेट्रीलिनियल हो सकता है या तो मेट्रीलिनियल हो सकता है ये तो काफ़ी सिंपल सी बात है देन कॉग्नेटिक हो सकते हैं इसमें बाइलिनियल पैरल एम्बिलिनियल एंड बाइलेट्रल इन चारों में से किसी भी प्रकार का डिसेंट हो सकता है ठीक है एक एक करके हम इनको देख लेते हैं सी यूरोप में जो एंसेस्ट्री होती है वो कॉग्नेटिक किनशिप पे ज्यादा बेस होती है एंड ओनली थर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड कल्चर डिसेंट एंड ग्रुप मेंबरशिप ऑन दिस बेसिस एंड द रिमेनिंग मेजोरिटी ऑफ सोसाइटीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना फॉलो द यूनिलनियन प्रिंसिपल दट यूनिनियन इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड एज यू कैन सी हम इंडिया और चाइना में देख ही सकते हैं चाइना का तो नहीं पता एटलीस्ट इंडिया में तो आप जान ही सकते हैं कि हमारे यहाँ जो डिसेंट्स होते हैं अगर आपके फैमिली में पता हो जनरेशन वाइज तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है अंटिल एन आप इंटरेस्टेड हो आपको याद हो चीज़ें आपके माता पिता को पता हो तब लेकिन केस ऑफ ऑकनेटिक दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज यू कैन सी इनमें किसी किसी केसेज में तो ऐसा भी होता है कि आप अपने दोनों पेरेंट्स uh, के साथ डिसेंस तो शेयर करते ही है देन आपके चार ग्रैंड पेरेंट्स भी हो जाते हैं आपके दो पेरेंट्स हो गए आपके माता पिता आपके माता पिता के माता पिता राइट right? तो चार उधर हो गए फिर आपके जो माता पिता है के जो माता पिता है उनके माता पिता आई होप आप ये चीज़ें देख रहे हैं ठीक है इट्स अ काइंड ऑफ एन फेबना की सीरीज़ में भी तो आप ये सीरीज़ को भी अगर बना के देखें कि दो पेरेंट्स हो गए आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स देन उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स ठीक है इस तरह से चीज़ें बढ़ती चली गई तो आपको सोचने में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रही होगी तो एज यू कैन इमेजिन ये सिस्टम अपने आप में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ठीक है और यहाँ पे बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग मैरिंग रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वो भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ऑल दो यूरोपियन सोसाइटीज़ में इस टाइप के कॉग्नेटिक डिसेंस एग्जिस्ट करते हैं तो उनके यहाँ पे कुछ इस तरीके के, के लॉज भी बने हुए हैं दैट वी नीड नॉट टू गो डीपर इंट टू ठीक है बस ये जान लीजिए इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड वन ठीक है हम जब डिटेल में आगे एक एक करके पढ़ेंगे उस टाइम पर भी हम इनके बारे में थोड़ा और कुछ देख लेंगे देन uh, अब हम बात कर लेते हैं किनशिप और डिसेंट के बीच में जो डिफरेंसेस आप एग्जाम में लिख सकते हैं अभी जो हमने पहले बात की थी वो तो वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो किनशिप um, डिफाइंड कैसे होता है बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल और पेयर ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है और डिसेंट आपका डिफाइन कैसे होता है इट इज़ डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द एनसेस्टर हम एनसेस्टर के आधार पर डिफाइन करते हैं कि आपका डिसेंट क्या है और किनशिप जो है ये यूनिवर्सली काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसेंट कल्चरली रिकॉगनाइज है हर जगह पे डिसेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है कि आपके एनसेस्टर्स कौन थे ठीक है इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखा जाता है ऑल इंडिया में भी कई सोसाइटीज़ हैं इवन यूरोप में भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं लाइक इफ़ यू नो जो हिटलर uh, थे उनके डिसेंडेंस uh, अभी अगर कोई हो शायद तो वो शायद ही अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करे यहाँ तक कि यूरोपियन uh, सोसाइटीज़ में तो ऐसा भी है कि वहाँ पे उनको हिटलर नाम तक रखना अलाउड नहीं है ठीक है तो अगर उनके जो डिसेंडेंस हो वो खुला प्रचार करने लगे तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा देन uh, uh, जो किनशिप uh, होती है नॉर्मली ये बायलैटरल होती है फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ एन ईगो ईगो हम उनकी बात करें जिनके हम रेफरेंस में चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन जो डिसेंट होता है इट कनेक्ट थ्रू रिलेटेडनेस टू अ कॉमन एंसेस्ट्री ओनली अ लिमिटेड क्लास ऑफ ईगो और रिलेटिव ठीक है इन केस ऑफ किनशिप आपके जो रिलेटिव रिलेशनशिप uh, है वो रिलेटिव होते हैं एंड यू आर अ सन और अ नेफ्यू ओनली इन रिलेशन टू सम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कोर्स आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं किनशिप में वो तो रिलेटिव ही होते हैं ना आप किस साइड uh, से देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं आप किस पोजिशन पर किस हायार्टी पे रह के देख रहे हैं उस हिसाब से डिफाइन होगा आप किसी के पोते हो सकते हो किसी के पति हो सकते हो किसी के बेटे हो सकते हो राइट डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस रिलेशनशिप को स्टैब्बलिश कर रहे हो बट के केस में क्या होता है द स्टेटस इज इन सेंस वेरी एप्सल्यूट कि आप उनके डिसेंडेंट हैं ठीक है थीके? आप एक्स वाई जेड पर्सन के डिसेंडेंट हैं वो तो चेंज नहीं होगा आप उनके डिसेंडेंट ही कहलाओगे राइट एंड यू आर और नॉट अ पर्टिकुलर डिसेंट ग्रुप तो ये डिसेंट ग्रुप इन केस ऑफ अगर आप बात करें किनशिप में जो टर्मिनोलॉजीज है उसके हिसाब से ये डिसेंट थोड़ा सा ज्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल दिखता है आप एक ही डिसेंडेंट हो सकते हो वो अलग बात है कॉग्नेटिक डिसेंट और यूनिन डिसेंट उसमें क्या कन्फ्यूजन है वो तो हम आगे देख ही लेंगे ठीक है तो बेसिकली आपको डिफरेंसेस लिखना हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक दो चीजें आप और मेंशन कर सकते हैं जो हमने भी पहले देखी लाइक इनके दो टाइप्स कौन से होते हैं और डिसेंट्स के दो टाइप कौन से होते हैं ठीक है देन अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं यूनिलीनियर डिसेंट की और उनके अंदर जो आपके दो फॉर्म्स आते हैं उनकी भी ठीक है तो यूनिलिनियर डिसेंट क्या होता है लाइक इन मोस्ट ऑफ द कल्चर इट इज प्रैक्टिस लाइक इन इंडिया और चाइना और ये अपने जो डिसेंट है ये एक सिंगल लाइन ऑफ एंसेस्टर वो मेल हो या फीमेल हो उनसे ट्रेस करते हैं देर इज नथिंग न्यू इन इट हम ये पे पहले भी देख चुके हैं देन पेट्रिलीनियल डिसेंट क्या होता है पेट्रीलिनियल डिसेंट में जो आपके बोथ मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं दे बिलोंग्स टू देयर दियार्स किन ग्रुप बट नॉट देयर मदर ठीक है बट मेल पास ऑन देयर फैमिली आइडेंटिटी टू द चिल्ड्रेन एंड अ वमेन चिल्ड्रेन आर द मेंबर ऑफ द हस्बैंड्स पेट्रीलिनियल लाइन ये आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं पेट्रीलिनियन आप मान लीजिए आपके जो फ़ादर एंड मदर है और आप दो भाई बहनों आपकी एक बहन है एंड यू आर द सन या आपकी uh, आप एक डॉटर है और आपके एक भाई तो जो भी है रेस्पेक्टिवली जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो आपकी अगर शादी होती है तो आपकी जो वाइफ होंगी शी विल बी द पार्ट ऑफ द फैमिली और उनकी uh, आपके जो बच्चे होंगे दे विल हैव दी पेट्रीलिनियर डिसेंट ठीक है और आपकी जो सिस्टर होंगी वो शादी करके जिस घर में जाएंगी जो उनके हस्बैंड होंगे और उनके जो बच्चे होंगे वो उनके हस्बैंड के uh, जो डिसेंडेंट होंगे उनके आधार पर उनकी डिसेंट uh, काउंट की जाएगी ठीक है सो दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड और रिलेट टू इट अगर आप इसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे तो सी अगेन आई हैव पुट दिस डायग्राम चार्ट आउट देयर जिनको कंफ्यूजन uh, हो या जिनको डाउट हो वो देख सकते हैं कि मेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है फीमेल को कैसे मैरिज बाउंड को कैसे देन डिसेंट बॉन्ड को कैसे एंड कोडिसेंट को कैसे देन पेरेंट और चिल्ड्रन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं ठीक है थीके? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पेट्रिलियल um, डिसेंट uh, uh, की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज द फादर दिस इज द मदर तो आप जितने भी रेड में यहाँ पे देख रहे हैं दे आर ऑल फ्रॉम द पेट्रीनीलियर डिसेंट तो इसके केस में क्या हुआ इनके केस में यहाँ पे ये जो लेडी थी शी हैज़ द देट्रीलिनियल डिसेंट और इनके जो यहाँ पे बेटे थे उनका पेट्रीलिनियल डिसेंट है इनकी जो बहू आई और उनके जो बच्चे हुए उनके पेट्रीलिनियल डिसेंट हो गए इनकी जो एक और बेटा था उनकी भी बहू आई उनके भी जो बच्चे हुए वो पेट्रीनियल डिसेंट के हो गए लेकिन जो इनकी बेटी थी उनकी जो शादी किसी और से हुई तो उनके जो बच्चे हुए दे विल हैव सेम डिसेंट एज द फादर जो कि यहाँ पे आप वाइट में देख सकते हैं ठीक है दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू दी डाइग्राम देन मेट्रीनियर डिसेंट की अगर हम बात करें तो मेट्रीनियल डिसेंट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द पेट्रिलीनियल वन तो आई होप ये आप uh, समझ पा रहे होंगे हम कैसे बात कर रहे हैं आप जस्ट अपोजिट कर दे उल्टा कर दे जहां आप मदर साइड से डिसेंट देख रहे हैं तो सिमिलरली आप इसको भी लाइन डाइग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके केस में भी जितने भी आप ग्रीन देख रहे हैं दे ऑल हैव है मेट्रीलिलियल डिसेंट और ये पास ऑन कैसे होता है मेट्रीलिनियन डिसेंट है तो जो माँ की डिसेंट uh, है वही पास ऑन होगी यानी कि अगर इस केस में एज यू कैन सी ये जो इनके बेटे हैं इनकी बहु आई है तो इनकी बहु आई है यानी कि नाव शी विल पास ऑन द मेट्रिलीनियन डिसेंट तो इसीलिए जो इनके बच्चे एज यू कैन सी ये दोनों कैसे होंगे ये दोनों मेट्रिलियल डिसेंट के होंगे तभी इनको व्हाइट में दिखाया गया है एंड हेयर द डॉटर इनकी जो डॉटर है इनकी शादी हो गई और इनके जो बच्चे होंगे ये क्या पास ऑन करेंगे द मेट्रीलिनियल डिसेंट तभी इनके बच्चे आपको यहाँ पे ग्रीन में शो हो रहा है ठीक है तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द मेट्रीलिनियल डिसेंट नाउ जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मेट्रोलिनियल डिसेंट फॉलो होती हैं वहाँ पे जो सोशल रिलेशनशिप होता है बच्चों का और अपने बायोलॉजिकल uh, फा, फादर का वो जनरली काफ़ी डिफरेंट होता है इन कंपेयर टू दैट्रिलियल फैमिली कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है जो ईगो होता है ईगो यानी कि हम जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और uh, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज अ फ़ादर की वो उनकी मदर के ब्रदर को दे दी जाती है ठीक है यानी कि जो उनके मामा होते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करते हैं ऑफ़ द फादर ठीक है father, मतलब जो इम्पोर्टेंस होती है मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ में उसमें ब्रदर मामा uh, की ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू फादर क्योंकि वो जो सबसे जो क्लोजेस्ट एल्डर uh, होता है ऑफ दैट किन्स किनशिप ठीक है इसीलिए फादर तो एक अलग डिसेंट uh, का हो जाता है और जो ब्रदर है ऑफ़ द मदर वो सबसे क्लोजेस्ट एल्डर कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ द मेल यू कैन से ठीक है तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली डिसेंट तो वही है मेट्रिलील आप जहाँ यहाँ से शो कर सकते हैं दैट दिस इज द मदर्स ब्रदर ये यहाँ पे है ठीक है और यहाँ पे इसने इनको uh, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन की है ठीक है सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट नाउ uh, कुछ केस स्टडीज़ हम देख लेते हैं जैसे कि अशांति किंगडम uh, है दैट इज़ ऑफ सेंट्रल घाना वहाँ पे जो किंगशिप है वो बेसिकली जो सिस्टर के सन होते हैं उनको पास ऑन की जाती है ना कि अपने बेटे को तो सपोज आपके जो मामा हैं अगर मामा के बेटे हो या ना हो दैट डजेंट मैटर मामा अगर गद्दी पे बैठे हैं तो मामा की जो गद्दी है वो किसको पास ऑन होगी वो अपने सिस्टर के uh, बेटे को पास ऑन होगी ठीक है तो वहाँ पे ये वाला जो कस्टम है और आप कह सकते हैं ये वाला जो डिसेंट का रूल है ये फॉलो किया जाता है और जो वुमेन है दे यूजुअली इनहेरिट द स्टेटस एंड द प्रॉपर्टी डायरेक्टली फ्रॉम देयर मदर इन द मेट्रोलिनियल सोसाइटी और जो वहाँ पे क्योंकि ये मेट्रोलिनियल सोसाइटी है ऑफ अशांति किंगडम सो वहाँ पर सिमिलरली जैसे आप गारो खासी जयंती में देखते हैं उसी टाइप का uh, जो इनहेरिटेंस होता है ये सेम केस uh, ये भी फॉलो करते हैं तो अब ये इस टाइप का सिस्टम uh, फॉलो करने के पीछे रेशनल क्या है तो सी द वेरी इंपॉर्टेंट रेशनल दैट यू कैन कोट इज किसी अगर यूनिलिनियन डिसेंट है डिसेंट से बेसिकली क्या बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है एक तो मैरिज पर्पसेज से कहीं ना कहीं हो सकती है uh, दूसरी uh, आपके इनहेरिटेंस uh, को लेके हो सकती है राइट right? Uh, दूसरी बोलूँ या सबसे इम्पॉर्टेंट बोलूँ इनहेरिटेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर किसी सोसाइटी में इनहेरिटेंस uh, के लिए अच्छी खासी uh, चीज़ें हैं फ्रॉम दी वन डिसेंट ओनली उन्हीं सोसाइटीज़ में आपको यूनिलिलियन टाइप ऑफ डिसेंट फॉलो करते हुए मिलेगा और जहाँ पे आप देखेंगे कि सोसाइटी uh, में कुछ इस तरह का प्रोविजन है या बहुत वेल टू डू सोसाइटीज़ नहीं हैं Uh, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के कॉग्नेटिक डिसेंट्स मिल जाएंगे जहाँ वो दोनों साइड से इनहेरिटेंस कर रहे हैं ठीक है थीके? हम जब आगे कॉग्नेटिक इनहेरिटेंस में देखेंगे तो विल फाइंड सो मेनी सच एक्जाम्पल्स ऑल्सो दैट सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन मैंशन अबाउट द रेशनल और केस स्टडीज भी आप लिख सकते हैं ठीक है देन कॉग्नेटिक डिसेंट की बात करें तो अब ऑलमोस्ट लाइक थर्टी परसेंट ऑफ द सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड ट्रेस दिस काइंड ऑफ एन डिसेंट और इसके अंदर भी आपके चार वेरियंट्स आते हैं एज आई टोल्ड यू बाई लीनियल एज वन सी और अगर हम कॉग्नेटिक डिसेंट एज अ होल की बात करें अगर आप ये चार पाँच को हटा दें सिंपली दे, हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि दिस इज़ अ फादर और ये फादर ने कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने पे बोथ पेरेंट्स से इनहेरिट की है ठीक है तो ये सिमिलरली मदर के केस में मान लीजिए मदर हैज़ इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सिंगल लाइन आप इस तरीके से देख सकते हैं तो जो ये बच्चे होंगे इनके ये कुछ चीजें अपने फादर से लेंगे कुछ चीजें मदर से लेंगे इन केस ऑफ कॉग्नेटिक रिमेंबर और फिर इनकी जब शादी होगी उनकी शादी भी होगी तो सिमिलर वे में वैसे ही पास ऑन होगा उनके बच्चे को देन अगर मान लीजिए ये जो एक आ, लाइन चली आ रही थी इनकी शादी हो जाती है किसी और दूसरे ऐसे लाइन से जो अलग टाइप के आ, डिसेंट को फॉलो कर रहा हो तो अल्टीमेटली क्या होगा ये मिक्सअप हो जाएगा क्योंकि अपने पेरेंट्स दोनों ही पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट करेंगे एंड दैट इज हाउ दिस मेक्स दी कॉग्नेटिक डिसेंट एट दी एंड ठीक है अब बाइंडीनियर डिसेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बोथ पेट्रीलिनियर और मेट्रीनियर डिसेंट को कंबाइन करके देखा जाता है और इसके केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए ये जो आ, बच्चे हैं इनके और इनका एक हर केस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन भी होगा ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बाइलिनियर में हमने क्या बोला इन्होंने कुछ माता से किया कुछ पिता से किया राइट इन्होंने भी कुछ अपने माता से किया कुछ पिता से किया तो जो इनके बच्चे होंगे ये कुछ इनसे लेंगे तो कुछ इनसे लेंगे इनसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे ये रेड वाला एक्वायर कर लिया इनसे यहाँ पे ये पिंक वाला एक्वायर कर लिया सिमिलरली जो इनके बेटे हैं इन्होंने भी ये दो एक्वायर किया फिर इनकी शादी किसी और से हुई जिनके भी दो इनहेरिटेंस थे ठीक है इनके भी दो इनहेरिटेंस थे तो ये एक अपने मदर से लेगा और अपने फादर से लेगा तो सिमिलरली मान लीजिए ये रेड इन्होंने अपने फादर से ली एंड दिस डार्क ऑरेंज इन्होंने अपनी मदर से ली तो इनके भी दो बच्चे थे अब इनके जो इनका जो ये बेटा था इसकी शादी किसी और से हुई तो इनके केस में भी अब क्या होगा जो इनके बच्चे होंगे ये अपने फादर से इन्होंने रेड इनहेरिट किया और मदर से इन्होंने ग्रीन इनहेरिट किया सिमिलरली इनकी जो बेटी थी उन्होंने भी ऐसा ही किया ठीक है तो नाउ यू कैन सी ये जो कॉम्बिनेशन है सभी का ये पूरे आप अलाइन ऑफ जनरेशन को देख सकते हैं सबकी जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है ठीक है तो अब ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सोसाइटीज़ आप लिख सकते हैं ट्राइबल्स लिख सकते हैं जो ये फॉलो करते हैं देन याको ऑफ साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में एक ट्राइब्स है वो इस टाइप का बाइलिनियल डिसेंट फॉलो करते हैं इनके केस में क्या होता है जो पोर्टेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अंदर आप लाइफ स्टॉक मनी ये सारी चीज़ें को काउंट कर सकते हैं ये मेट्रीलिनियर साइड से डिसेंट होता है और जो फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे फार्म लैंड हो गया ये सारी चीज़ें जरजमी जो भी आप बात कर सकते हैं ये ये अपने फादर के साइड से इनहेरिट करते हैं ठीक है थीके? इंडिया में भी आपको इसी टाइप का एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा अमंग दी टोडाज ऑफ सदर्न इंडिया तो ये आप जरूर मैंशन uh, करेंगे ठीक uh, है और जो ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म दिनरल्स एंड पे द्राइट प्राइज फॉर द सन आर इनहेरिटेड थ्रू द मेट्रीनियन लाइन इन केस ऑफ याको ऑफ साउथ ईस्टर्न नाइजेरिया ठीक है जरूरी नहीं है कि साउथ ईस्टर्न नाइजेरिया के जो बायोलेट्रल डिस के तरीके ये फॉलो कर रहे हो टोडा ऑफ सदर्न इंडिया भी यही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो लेकिन हाँ डिसेंट्स बोथ साइड से होता है अब वो उनके तरीके अलग अलग हो सकते होंगे दैट इज यू कैन फर्दर सी कि क्या होता है वहाँ पर ठीक है दैट आई एम लिविंग अप टू यू पैरल डिसेंट इज अ सिंपलर वन इस केस में आप जेंडर स्पेसिफिक डिसेंट देखते हैं यानी कि द सन विल फॉलो द डिसेंट ऑफ द फादर एंड द डॉटर विल फॉलो द डिसेंट ऑफ द मदर ठीक है यानी कि फीमेल टू फीमेल एंड मेल टू मेल इसी तरीके से ये चलता जाता है एंड दैट इज वॉट यू कैन सी इन दिस डाइग्राम एज वेल नाउ एम्बिलीनियर डिसेंट की अगर हम बात करें तो एम्बिलीनियर डिसेंट इज बेसिकली यू कैन सी इट एज अ फ्लेक्सीबल सिस्टम जिसके अंदर पेट्रीलिनियर मेट्रीलिनियर पेट्रीलिनियर मेट्रीलिनियर चलता रहता है मतलब आप चाहो तो चेंज कर सकते हो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू कैन नॉट चेंज द साइड ऑफ द डिसेंट तो ये बेसिकली इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जो मेटरिलीनियल साइड है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है या ज़्यादा पावरफुल है तो द पर्सन इज़ फ्री टू चूज़ दैट पर्टिकुलर डिसेंट आपको इंडिया में भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे ठीक है जहाँ पे आप देखें कि मैरिज सॉरी जो मदर वाली साइड है उनके साइड से वो डिसेंट को ट्रेस कर रहे हों राइट देन हम बायलैटरल डिसेंट की बात करें तो सी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दी बायलिनियल तो बाइलिनियल के क्या केस में क्या हो रहा है सम फ्रॉम मदर सम फ्रॉम दी फादर बट बायलैटरल के केस में क्या होता है इसमें इक्वली मदर फादर दोनों के ही साइड से होता है तो आप मान सकते uh, यहाँ पे uh, जो बैकअप ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो आप यहाँ पे कहीं पे uh, कुछ डिफ्रेंसीशन uh, नहीं किया जा रहा है आप दोनों ही साइड से इक्वली इन्हेरिटेंस uh, कर सकते हैं और डिसेंट uh, कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज़ वॉट दी बायलैटरल डिसेंट इज ऑल अबाउट सो दैट इज़ वर यू कैन सी इन द डाइग्राम एज वेल एंड आई के नॉट एम्फसाइज मोर कि डाइग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपको इन डाइग्राम्स को एग्जाम में ड्रॉप करना ही करना है दैट इज़ ओनली गोइंग टू फेच यू मार्क्स और बायलेट्रल डिस केस में आपको ये इंडिया में भी देखने को मिलेंगे और स्पेशली आपको इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में जो ट्राइबल्स हैं उनमें ये टाइप ऑफ बाइलेट्रल सिस्टम फॉलो किया जाता है ठीक है तो वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं Uh, जो आप मेंशन कर सकते हैं और ये आपको ऐसे इन्वायरमेंट में मिलेगा uh, मतलब जनरली uh, आप ऐसे इन्वायरमेंट में इनको पाएंगे जहाँ पे रिसोर्सेज जो होते हैं uh, वो एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो नॉन प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होता है डेजर्ट्स होता है आर्टिक वेस्टलैंड्स इन जैसे जगहों में आपको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम होते हैं ठीक है और आपके पास फॉल बैक ऑप्शनस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस टाइप के लीनियज और इस टाइप के डिसेंस को वो फॉलो करते हैं नाउ सिंस आई नो आप में से काफ़ी को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा रिगार्डिंग डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बाई एंड बायलेट्रल स्पेशली क्योंकि यूनी तो सी इट्स क्वाइट अ सिंपलर वन कि आप अपने Uh, किसी एक से ही लाइक पेट्रिलीनियन और मेट्रोलिनियन डिसेंट ही एक्वायर कर रहे हैं ठीक है तो अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को फॉलो करें देन यू कैन सी कि अगर मान लीजिए एक कोई फर्स्ट जनरेशन है तो इसमें कितने डिसेंट्स हो सकते हैं यूनिलीनियन में चूंकि आप एक ही साइड से डिसेंट करते हैं तो आपके uh, चाहे वो जनरेशन वन हो टू हो थ्री हो फोर हो आप हर जनरेशन में किसी एक साइड से ही कर रहे हैं किसी एक साइड से आप करेंगे और वो एक यूनिफॉर्मली चला आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि वो चेंज हो रहा है राइट जैसे एम्बीलियल के, के केस में होता था तो यहाँ पे आप कोई एक ही डिसेंट फॉलो करेंगे थ्रू आउट दी जनरेशन तो यूनिलीनियल में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बायोलिनियल में हमने क्या बोला ये पेरेंट जो होते हैं आपके मदर फादर उन दोनों साइड से ही करेंगे तो ये जनरेशन वन में अपने फादर एंड मदर से किया और बायलैटरल के, के केस में भी क्या हुआ बायलैटरल ने भी अपने जितने भी बायोलॉजिकली uh, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे किया तो जनरेशन वन उनके बायोलॉजिकल रिलेटिव दो होंगे जनरेशन टू उनके बायोलॉजिकल रिलेटिव आप देख लीजिए के में, के केस केस में में फादर एंड मदर होते हैं यानी कि दिस विल रिमेन टू थ्रू आउट जनरेशन क्योंकि वो फादर एंड मदर से कर रहे हैं और यहाँ पे बायोलेट्रल के केस में हमने क्या बात की है बायोलेट्रल के केस में वो अपने जितने भी बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स है उन सभी से अपने डिसेंट को ट्रेस कर रहे हैं तो यानी कि जो सेकेंड जनरेशन है सेकेंड जनरेशन के लिए तो ये कितने हो जाएंगे आपके बायोलॉजिकल डिसेंडेंट चार ये जो दो माता पिता थे और दो माता पिता के दो माता पिता राइट right? देन आप फिर इसी तरह से थर्ड जनरेशन में आएंगे तो थर्ड जनरेशन में भी आपके जो नंबर ऑफ एंसेस्टर्स है बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स वो बढ़ते जाएंगे सिमिलरली विद द फोर्थ जनरेशन द थिंग्स विल चेंज और इसी तरह से फिफ्थ सिक्स और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यू विल सी कि ये जो नंबर है ये बढ़ता ही चला जाएगा ठीक है तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूनियनियन बाईलिनियन एंड बाइलेट्रल दैट यू कैन इवन समराइज़ अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना हो या तीनों के बीच में या जिनके भी बीच में डिफ्रेंशिएशन करके देखना हो और ये आप देख सकते हैं ये एक ऐसा पिक्चर है कि जहाँ पे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं और आप इंडियन फैमिलीज़ में भी कई फैमिलीज़ में देखेंगे शायद आपकी फैमिली में भी आपको मिल जाएगा कि आपके बहुत सारे डिसेंडेंट्स के बारे में आपको पता हो ठीक है और आप वो अगर काउंट करके देखें तो आपको पता चलेगा इट्स राइजिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है आज के डेट में दो दो के फिर चार चार के फिर आठ इस तरह से बनते दे जाएंगे देन हम डिसेंट uh, की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं सी डिसेंट हमने क्या बात की कि इसमें आप बायोलॉजिकल uh, uh, जो आपके एंसेस्टर्स है उन्हीं को काउंट करते हो ठीक है तो ये आपके बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट से डील करने में काफी हेल्प करता है और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि सिमिलरली uh, आप किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के लिए अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जनरली आपको ये पूछ लेता है अच्छा आपके फैमिली uh, में किसी को ये पर्टिकुलर बीमारी थी क्या आपके चाचा चाची को थी आपके नाना नानी को थी आपके दादा दादी को थी इस तरीके से वो आपसे ये चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है और ये आप मान सकते हैं डिसेंट का ही इंपॉर्टेंस और आपको पता ही नहीं हो कि आपके जो दादा दादी है और उनके जो पेरेंट्स थे उनके बारे में कुछ भी तो शायद अगर डॉक्टर आपसे इतने इंटरव्यू इन क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर ना कर पाए ठीक है और ये जो डिसेंट है इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ़ द वर्ल्ड्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ़ द इकोनॉमिक पॉलिटिक एंड मच एल्स दैट इन्वॉल्व्स नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ और सी ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं लाइक इन इंडिया से फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कांग्रेस का एग्जाम्पल लें तो कांग्रेस के केस में क्या हो रहा है वो डिसेंट के तौर पर ही तो पॉलिटिक्स uh, में uh, आज की डेट में uh, बने हुए हैं right? राइट कि जो नेहरू फैमिली थी उनके ही uh, जो बच्चे हैं उनके ही जो अलग अलग जनरेशन्स है उसे ही आप आज तक कांग्रेस uh, में देख पा रहे हैं तो दैट इज़ काइंड ऑफ एन केस स्टडी ऑल्सो दैट यू कैन मैंशन ठीक है और uh, जो डिसेंट है इट ऑल्सो मीन्स ऑफ एक्सक्लूजन नॉट एवरी वन कैन बी इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर डिसेंट ग्रुप तो ये एक्सक्लूसिविटी भी दिखाता है कि आप कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज है या कुछ भी चीज़ है बेस्ड अपॉन योर डिसेंट आप वो एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो वो आपको एक सर्टन राइट्स भी देता है इन सम केसेस तो इस तरीके से आप उसके इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं और uh, जो डिसेंट है पीपल डू नॉट ऑलवेज फॉलो द कल्चर डिसेंट प्रिंसिपल प्रिसाइसली एंड किनशिप इज ऑफन एन ठीक है तो ये तो अगेन कंट्रोवर्सी का केस है कि किनशिप uh, मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ऑल ये आप देखेंगे अगर आप बनारस जाएंगे तो बनारस में भी आप देखेंगे वो आपके पता नहीं कितने ही जनरेशन के बारे में आपको कुछ पोथियों में देख के बता सकते हैं ठीक है थीके? तो दैट इज वॉट द पावर इज अब वो किस तरह से उसको ट्रेस करते हैं कैसे करते हैं आपकी समझ से वो परे है तो वो उनकी सोच समझ पर निर्भर है आई एम नॉट टेलिंग कि वो गलत बताते हैं या सही बताते हैं लेकिन हाँ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी बेस्ड अपॉन कि आप ये सारी चीज़ें आप कैसे याद रखते हो आप बेस्ड अपॉन द योर कॉन्शियस माइंड ही आप याद रख सकते हो आपके uh, जो दादा दादी थे उन्होंने कोई स्टोरी बताई होगी उन्होंने अपने माता पिता के बारे में बताया होगा दादा दादी के बारे में बताया होगा तभी आप बता सकते हो राइट क्योंकि आज के डेट के जैसा आपके सारे रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल है उसके उस टाइम के रिकॉर्ड्स तो आपके पास अवेलेबल है नहीं तो आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं दैट यू कैन मैंशन फॉर द इम्पॉटेंस ऑफ डिसेंट्स ऑल्सो अब हम डिस ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं तो हम डिसेंट ग्रुप के बारे में बात करें इसके पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दी मेजर काइंड्स ऑफ डिसेंट्स ठीक है अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ डिसेंट्स देख लिए लेकिन अगर आपसे काइंडस पूछ लिया जाए जो दो ब्रॉडर कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड डिसेंट और दूसरा स्ट्यूबलेटेड डिसेंट तो सी ये कोई अलग डिसेंट uh, हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड डिसेंट आप उनकी बात कर रहे हैं जो आप ट्रेस कर पा रहे हो जिनसे आपका डिसेंट ठीक है जैसे पेट्रीलिनियन मेट्रीलिनियर तो ये आप जानते हैं ना कि आपसे दो तीन मैक्सिमम चार पाँच इवन छः जनरेशन तक चला जाएगा ठीक है लेकिन आप उनको ट्रेस कर पा रहे हो यू कैन कॉल देम बाय नेम कि अच्छा दिस 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 वाज द नेम ऑफ योर एंसेस्टर राइट लेकिन स्टिपुलेटेड डेसेंट के केस में क्या होता है कि आप बस अज्यूम कर सकते हो लेकिन आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं right? राइट uh, जैसे कि uh, आपने सुना होगा देर आर वेरियस रिशीज़ ड्यूरिंग द एंशंट टाइम लाइक कश्यप ऋषि गौतम ऋषि ये सारे ऋषि हुआ करते थे और आज के डेट में भी आप uh, किन्नी का सर नेम देखेंगे तो दे हैव लाइक एक्स कश्यप देन वाई गौतम सच अ काइंड ऑफ एन टाइटल्स एंड दैट सेज़ कि दे आर द डिसेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऋषीज़ ठीक है तो अब क्या उनको कैसे पता चला कि वो उन ऋषि के uh, anse, मतलब वो ऋषि उनके एनसेस्टर्स थे उन्होंने किसी तरह अपनी uh, ट्रेसिंग की होगी उसके वजह से पता चला दैट इज़ वेल एंड गुड बट क्या वो बता सकते हैं जनरेशन बाई जनरेशन कि कौन से जनरेशन में कौन थे उनका क्या नाम था उन उन तक कैसे पहुंचे ये सारी चीज़ें बता पाना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ठीक है हो सकता है बनारस में आप चाहे वहाँ पे आपको कोई बता दे दैट इज़ अनदर थिंग बट हाँ जनरल केस में आप नहीं बता पाएंगे तो दैट इज कम्स अंडर दिस स्ट्यूबलेटेड डिसेंट ठीक है तो ये दो तो ब्रॉडर टाइप्स uh, तो आप नहीं बोल सकते काइंड्स है तो अगर एग्जाम में आपको इनको देख के पूछ लिया जाए तो डोंट गेट कन्फ्यूज ठीक है आप लिख सकते हैं इनके बारे में देन uh, हम अब मेन uh, टॉपिक पे आ जाते हैं दैट इज द डिसेंट ग्रुप डिसेंट ग्रुप में आपको लीनियज क्लैन फैक्ट्री मोइटी और किंडर देखने को मिलेगा ये किंडर जो है ये एक uh, अलग सा डिसट ग्रुप है हम उसको uh, अलग से देख लेंगे देन हम पहले लीनियज क्लान फैक्ट्री एंड मोइटी की बात कर लेते हैं तो इसमें से आपका जो लीनियज है दिस फॉर्म्स द बेसिक यूनिट और काफ़ी सारे लीनियज मिलकर आपके क्लान बनाते हैं देन क्लान आपके फैक्ट्री बनाते हैं देन देयर इज द मोइटी एट द एंड ठीक है, the, uh, है? तो इस तरह से ये एक हाई आर के एल ऑर्गेनाइजेशन है डाइग्राम है इसको आप याद रखिएगा एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सी जब हम लीनियज की बात करते हैं तो ये सबसे एक स्मॉलेस्ट ग्रुप मान सकते हैं आप जिनको जहाँ पे आप लीनियज ट्रेस करते हैं आपके फादर या मदर के साइड से ठीक है और जो अलग अलग लीनियज हैं वो जब इकट्ठे एक, एक साथ मिलके आते हैं तो दैट फॉर्म्स दी थी क्लैन ठीक है और ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं सॉरी डायग्राम में भी देख सकते हैं दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द लीनेज विद द क्लैन और ये जो लीनेज है ये आपस में एक एक्जोगस यूनिट होता है इसको आप ध्यान रखिएगा और ये कोई भी एक माइथोलॉजिकल या लेजेंडरी फिगर से ट्रेसिंग नहीं होता है लीनेज की अगर आप बात करें तो ये चार से पाँच जनरेशन तक आपको पता होगा कि अच्छा आपकी लीनेज क्या है ठीक है और वहाँ पे आप बता पाएंगे कि दैट फलाना 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 वॉज दी इंसेस्टर ऑफ माइंड तो दैट इज़ कॉल्ड द लीनेज ठीक है तो ये, ये थोड़ा सा एक सिंपल uh, चीज़ होती है सिंपल फॉर्म होता है इसमें uh, कोई आपको ऐसा नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ से रहे करें ये, ये सारी चीज़ें ठीक है थेके? अगर हम एक केस स्टडी के हेल्थ से इसको समझ लें तो इकबुल इनिज ऑर्गेनाइजेशन के हम बारे में समझ लेते हैं और इसको समझाने से पहले आई टेल यू बेसिक थिंग अबाउट दी सोसाइटी इट सेल्फ तो यू माइट बी एबल टू ट्रेस इट एट योर होम एज वेल सी अगर आपने से किसी ने सुना होगा घर पे जिसे हम गोतिया कहते हैं ठीक है थीके? तो गोतिया हम किसको कहते हैं हिंदी में uh, एक वर्ड है तो हम ये गोतिया किसको कहते हैं तो बेसिकली दे आर फ्रॉम दी कॉमन विलेज ठीक है वो एक विलेज का पार्ट होते हैं और वो आज से काफ़ी जनरेशन पहले उनके जो दादा परदादा और उनके दादा के दादा वहाँ उस विलेज में रहा करते थे और उनके दादा ने मान लीजिए दो या तीन चार शादियाँ कर रखी थी तो वो जो दो या तीन चार शादियाँ उन्होंने जितनी भी शादियाँ कर रखी हो ठीक है उनसे जो फैमिलीज़ बनी इवेंचुअली न्यूक्लियर फैमिली बनी फिर उन फैमिलीज़ में जो बच्चे हुए उन बच्चों के बच्चे हुए एंड द वे द इंटायर इकोसिस्टम इवोल्व ठीक है आप अगर इसको इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट इट और वो जो सारे लोग थे वो धीरे धीरे उस विलेज से डिस्पर्स होकर अलग अलग जगह पे चले गए ठीक है लेकिन वो कही न कहीं ना कहीं एक कोई कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहे हैं राइट right? और वो कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करने की वजह से दे आर ऑल नोन एज अ काइंड ऑफ एन गोतिया मतलब उनके कॉमन एंसेस्टर है वहाँ से वो अपना डिसेंट ट्रेस कर रहे हैं बट ऑल्दो दे आर फ्रॉम वन फादर एंड डिफरेंट मदर ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई रिलेशन तो है ही है तो इकबू के अंदर भी ऐसा ही होता है तो इसमें एज यू कैन सी सबसे ऊपर आपके विलेज ग्रुप आते हैं ठीक है देन आपका ये विलेज वार्ड कंपाउंड हम देखेंगे, ये देखेंगे विलेज वार्ड वार्ड कंपाउंड में क्यों डिवाइड किया गया है इन द नेक्स्ट स्लाइड और ये आपका एक मैक्सिमल लीनियज हम इसको बोल सकते हैं या मैक्सिमल लीनियज आप जो भी बोले देन आपका मेजर सेगमेंट होता है और देन माइनर सेगमेंट होता है अब ये क्या होता है हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी देख लेते हैं तो सी एक बूस के केस में क्या होता है ये तीन सेगमेंट्स uh, में डिवाइड करते हैं मैक्सिमल मेजर एंड माइनर सेगमेंट एज यू कैन सी हिस्टर दिस इज द मैक्सिमम लीनेज दिस इज मेजर सेगमेंट दिस इज दी माइनर सेगमेंट यहाँ पे लीनेज लिखा हुआ है बट कंसिडर्ड इट एट मैक्सिमम लीनेज होनली ठीक है देन मैक्सिमम लीनेज जो है ये आपका एक सिम्बॉलिक और रिचुअल uh, इंपॉर्टेंस रखता है सो वाई सिम्बॉलिक एंड रिचुअल इंपॉर्टेंस तो अभी जब मैं ग्रज गोतिया की बात कर रही थी तो इनके केस में क्या होता है कि जब भी शादियाँ होती है घर में या बच्चे का जन्म होता है या कोई भी ऐसे रिचुअल्स या कस्टम्स फॉलो करने होते हैं उन टाइम पे इनको याद किया जाता है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि आ, हर चीज़ में इनको इन्वॉल्व किया जा रहा हो लेकिन हाँ जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्पेशली तो समथिंग लाइक मैरिज उस केस में इन तक इन्विटेशन पहुँचाना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है जिनके भी घर में ये चीज़ फॉलो होता होगा लेकिन आखस दे पेरेंट दे विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड देन जो मेजर सेगमेंट होता है इसके केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट्स होते हैं जिनके सेम फादर और डिफरेंट मदर्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज़ नोन एज उ में डिवाइड किया जाता है इन केस ऑफ एक बो हमारे अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग नाम हो सकते होंगे लेकिन एक स्ट्रक्चर मोस्टली ऐसा ही फॉलो होता है और इनकी ना एक विलेज में एक अलग सेक्शन एक कॉमन लैंड होता है जो इनके जो मेम्बर्स हैं उनको एलोकेटेड होता है आप मान के चल सकते हैं और इनमें जो हैड uh, होते हैं दैट इज़ दी मोस्ट सीनियर मेम्बर हु इज़ नोन एज ओकपारा ठीक है और रिमेंबर हम ये सारी चीज़ें के केस में बात कर रहे हैं कि ओकपारा पारा वहाँ पर जो uh, उमन्ना होते हैं उसके हेड होते हैं दैट इज़ ओकपारा और ये जनरली जो आपके ओल्डेस्ट मेम्बर होते हैं वो होते हैं और इनके पास uh, सारे रिचुअल इंपॉर्टेंस ओनरशिप ये सारी चीज़ें इन्हीं के पास होती हैं ठीक है बहुत सारे आप हिंदू सोसाइटीज में भी देखेंगे दे हैव अ प्लेस ऑफ वर्कशिप जहाँ पे बहुत सारे लोग आ, जो आपके जो गोतिया वगैरह है वो सब जाते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं ठीक है वो उनको कुल देवी मानते हैं तो ये सारी चीज़ें सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह है इन सारी की देखभाल कौन करता है दैट इज दी ओप पारा ठीक है क्योंकि वो एक कॉमन लैंड शेयर करते हैं जिसमें सारे ही जो उस उमलना के पार्ट होते हैं दे आर द फॉर्म ऑफ इट देन जो दूसरा ग्रुप आता है इनके नीचे ओप जो आप बोल रहे हैं ओक जो हेड होते हैं पोलिटिकल हेड इनके नीचे भी एक और सेगमेंट आता है दैट इज द माइनर सेगमेंट ठीक है और माइनर सेगमेंट में क्या होता है uh, कि जो डिविजन होता है दैट इज उमना जो होता है उसकी और हम सब डिविजन्स भी देख लेते हैं और यहाँ पे भी सब डिविजन्स के अंदर भी उनके अपने राइट्स uh, रिचुल्स और पोलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं ठीक है तो आप देख रहे हैं कैसे डिविजन्स होते जा रहे हैं धीरे धीरे ठीक है और ये जो सेगमेंट uh, है माइनर सेगमेंट इनके जो हेड है इनको हम ओबी कह सकते हैं ठीक है एंड ही मेक सेक्रीफाइज टू मोर इमीडिएट एनसेस्टर्स यह तो होगा ना इनके जो मोर इमीडिएट एनसेस्टर होंगे एक तो हो गए जो बहुत दूर के एनसेस्टर थे फिर धीरे धीरे जैसे आप डिसेंट ट्रेस कर रहे तो कोई इमीडिएट एनसेस्टर हो तो होगा तो ये जो ओबी है ये उनसे रिलेट करता है ठीक है एंड दैट इज हाउ द इंटायर थिंग्स वर्क तो आप इसको इस डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड जो हमने बात करी कि आप इसको अपने लैंग्वेज में भी प्रेजेंट करके लिख सकते हैं यू नीड नॉट टू प्रेजेंट लाइन बाय लाइन एवरीथिंग ठीक है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जानने की जरूरत है कि ये डिसेंट ग्रुप कैसा होता है और हम कैसे आ, उसमें चीज़ें ट्रेस करते हैं अगर आपके घर में ये चीज़ें फॉलो होती हूँ तो यू बेटर आई एंड अंडरस्टैंड दैट आप वो वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे ठीक है देन uh, uh, चूंकि हमने यहाँ पे लीनेज की बात की थी और हमने अलग अलग सेगमेंट्स में देखा था तो हम सेगमेंट्री लीनेज के बारे में भी uh, फटाफट से बात कर ही लेते हैं तो सेगमेंट्री लीनेज कुछ भी नहीं होता बेसिकली इसमें आप यही बात करते हैं कि जो सोसाइटी है उसके जो अलग अलग इक्विवेलेंट सेगमेंट्स हैं और उनके आपस में जो लीनेजेस और रिलेशंस है ये उसकी बात कर रहा है ठीक है और एक जो क्लोज़ फैमिली होती है यूजुअली दैट इज द स्मॉलेट एंड द क्लोजेस्ट सेगमेंट एंड विल जनरली स्टैंड टुगेदर तो आप uh, जो फैमिली की बात करते हैं क्योंकि ये जो सेगमेंटरी लीनेज है अलग अलग फैमिली से मिलके एक पूरा का पूरा सेगमेंट बना है जो आपस में सम कॉमन लीनेज फॉलो करता है और शेयर करता है ठीक है और ये जो फैमिली है इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लार्जर सेगमेंट ऑफ द मोर डिस्टेंट कज़न एंड देयर फैमिलीज हु विल स्टिल स्टैंड विद ईच अदर वैन अटैक्ट बाई आउटसाइडर तो uh, सी ये जो आपके हम बात कर रहे थे लाइक द कॉमन एंसेस्टर्स जो आपके एक विलेज से निकल के आए हैं ये सारे लोग जो अलग अलग जगह पे आज रह रहे हैं ठीक है ऑल दो ये आपके uh, बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं है लेकिन हाँ चूँकि ये इस तरीके से इसलिए बात कर रहा है कि अभी तो जाहिर सी बात है कोई आपको बाहर से अटैक नहीं करने वाला कोई वॉर नहीं हो रही लेकिन हाँ इन केस ऑफ जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं हम उसकी बात करें तो ये uh, जो अपने लीनेजेस शेयर करते हैं जो इनके सेगमेंट्री लीनेजेस होते हैं उनके केस में ऐसा होता है कि अगर हाँ किसी को कभी ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और इवन फॉर सिक्योरिटी रीजन वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं ठीक है तो so, ये uh, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया तो दैट यू कैन ऑल्सो मैंशन सेगमेंट्री लीनेजेस के आपको uh, दो पर्टिकुलरली एक्जाम्पल्स आप मैंशन कर सकते हैं एक आपके नेशन दैट इज इसराइल में देर वॉज एन कॉमन नोन एज इन्सिस और दूसरे आपको मिल जाएंगे ऑफ दमीम uh, uh, ठीक है तो इनके केस में इन केस ऑफ हेब्रियूनेशन जो ये जेकॉब के एनसेस्टर जेकॉब द कॉमन एंसेस्टर है पश्तून्स का आपने नाम सुना होगा तो पश्तूस बेसिकली इनसे अपनी डिसेंडेंस शेयर करते हैं ठीक है और आज के डेट में पश्तून आपको वैसे तो ये ओरिजिनली अफगानिस्तान के थे बट आज के डेट में यू कैन फाइंड दैम इन पाकिस्तान ऑल्सो ठीक है एंड ऑलमोस्ट आपको फिफ्टीन मिलियन फिफ्टी मिलियन मेम्बर्स मिलेंगे ऑफ दिस पश्तून ट्राइबल ग्रुप्स दैट हैव कॉमन एंसेस्टर्स ठीक है और दूसरे आपको अरब ट्राइबल ग्रुप्स में भी दज अ ट्राइब नेम एज अड इनके भी फिफ्टी टू मिलियन मेम्बर्स हैं और ये सभी अपनी लीनेज ट्रेस करते हैं ऑफ़ अ कॉमन मैन नोन एज तामिम ठीक है तो दैट इज़ वॉट यू एन सी सपोज लाइक दिस तामिम और द जैकब इज़ हेयर और इनके जो अलग अलग सेगमेंट्स बने हैं और उन सेगमेंट्स जो आज के डेट में ये फिफ्टी टू और फिफ्टी मिलियन Uh, जो डिसेंस हैं उनके वो फॉर्म होके आए हैं निकल के आए हैं ठीक है एंड द सेगमेंट्री लीनेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू ने इस पर uh, एक क्वेश्चन भी इंसामियर uh, पूछ रखा है ठीक है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें अच्छे से पता हों अगर हम क्लैन की बात करें तो सिंपली आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं लाइक एज वी सॉ इन द लीनेज ऑल्सो कि लीनेज ए बी सी अगर इकट्ठा साथ में मिल आते हैं तो दे फॉर्म्स अ क्लैन ठीक है तो ये एक लार्जर uh, ग्रुप हो जाता है इन कंपेयर टू द लीनेज ऑफ कोर्स और इसके केस में uh, कुछ ऐसा भी होता है कि आप पर्टिकुलरली uh, ट्रेस नहीं कर सकते अपने एनसेस्टर्स को ठीक है तो सम वर्ट इट कैन बी माइथोलॉजिकल ऑल्सो तो दैट इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ क्लान देन फरैक्ट्रीज के बारे में हम बात करें तो इसमें एटलीस्ट uh, तीन क्लैन आपस में मिलकर फरैक्ट्रीज बनाते हैं ठीक है एंड हु आर बिलीव टू बी रिलेटेड बाई द किनशिप एंड दे आर नॉट यूजअली इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द क्लैंस

एंड ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर क्लान यानी कि एक चीज आप और भी ध्यान रखेंगे कि यूनियर यूनिलिनियर एडिसेंट पे होती है चाहे वो क्लान हो चाहे आपके लीनियज हो या आपके फेराट्रीज हो ठीक है तो दैट तो शुड तो तो भी वेरी क्लियर ये आप इसको कॉग्नेक्टिक केस के में नहीं देख सकते हैं मोइटीज को ड्यूएल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है तो बेसिकलीस यू कैन सी लीनियज क्लान देन मोइटीज ठीक है एंड इट्स एल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपको पेयर में ही हमेशा नजर आएंगे और इन्हीं दोनों पेयर्स के बीच में आपस में आ, जो भी रिलेशन होते हैं वो अस्टैब्लिश होता है दे हैव इकोनॉमिक टाइज ऑल्सो इनमें एग्जोग मैरिजेज भी होती हैं ये सारी चीज़ें आपको पॉइंटी में देखने को मिलेंगे ऑल दो मॉडर्न सोसाइटी में आपको इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे इंडिजीनियस सोसाइटीज़ uh, में यू माइट फाइंड सम एग्जाम्पल्स ठीक है किंडट बेसिकली एक नॉन यूनियल डिसेंट ग्रुप है यानी कि जैसे कि हमने uh, इनके पहले के केसेस में देखा था देवर हैविंग काइंड ऑफ एन पेट्रीलिनियल लीनेजेस ठीक है और उसी तरह से वो चीज़ें आगे बढ़ रही थी बट इन केस ऑफ यूनिलिनियर आप पाएंगे कि uh, जो किंडर्ड है वो आपके दोनों पेरेंट्स uh, के रिलेटिव्स के साइड से काउंट होती है और बेसिकली यहाँ पे आप एंसेस्टर फोकस uh, नहीं रखते हैं यहाँ पर आप ईगो सेंट्रिक फोकस रखते हैं ईगो सेंट्रिक आई मीन टू से कि जिनके रिलेटिव में आप uh, ये सारे रिलेशंस ट्रेस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इफ़ वी सी विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम आई गेस यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये आ, कुछ ग्रुप ऑफ़ पीपल हैं देर आर वन टू थ्री जो आपस में भाई बहन है एंड दिस फोर फाइव सिक्स ये भी आपस में भाई बहन है ठीक है तो यहाँ पे थ्री और फोर की शादी हो जाती है देन इनके बच्चे होते हैं थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन और ये कोई एक अलग फैमिली इधर चल रही थी इनकी भी शादी होती है और इनकी इनका एक बेटा होता है और इनकी एक बेटी तो आप देख सकते हैं ये थ्री फोर की जो बेटी थी उसकी शादी यहाँ पे नाइन टेन के जो बेटे से थी उनसे हो गई है ठीक है अब इनके जो बच्चे होंगे इनके बच्चे ट्वेंटी थ्री ये ईगो एंड दिस ट्वेंटी फोर अब हम अगर इस ईगो से रिलेशनशिप uh, ट्रेस करने को जाए तो आपको क्या मिलेगा ये जो ईगो है ये तो फिफ्टीन सिक्सटीन इसके माँ बाप हो गए राइट अब ये फिफ्टीन अगर इसकी माँ है तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर ये क्या होंगे ये इनके नाना होंगे देन दिस थ्री विल बी द नानी और चूंकि ये फोर और फाइव आपस में रिलेटिव है दे आर द सिबलिंग्स तो ये भी इनके कुछ ना कुछ लगेंगे ठीक है और सिमिलरली अगर आप इस ईगो सेंट्रिक जाके देखेंटीन सिक्सटीन यहाँ पे इनके फादर है और इनके फादर है तो ये जो टेन है यहाँ पे ही विल बी द ग्रैंड फादर और अगर ये ग्रैंड फादर है तो इनके जो भाई है या इनकी बहन है वो भी इनसे कुछ रिश्ते में लगेंगी राइट और सिमिलरली इनसे भी इनका कुछ रिश्ता होगा तो ये जो सारे रिश्ते नाते आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से आ, ट्रेस किए जा रहे हैं ये किसके बेसिस पे किए जा रहे हैं ये ईगो के बेसिस पे किए जा रहे हैं ठीक है, है इन ईगो के बेसिस पे आप बता रहे हैं कि ये चाचा है या ये नाना है ये दादा है या जो भी है हम यहाँ पे कोई एंसेस्टर के बेसिस पे बात नहीं करें सो दैट इज वॉट समराइज योर किंडर्ड ठीक है एट एंड लेट्स टॉक अबाउट अ केस स्टडी ऑफ जो बेसिकली ये एक ट्राइब है ऑफ अफ्रीका ये बायलैटरल किंडर्ड टाइप ऑफ डिसेंस फॉलो करते हैं ठीक है और यहाँ पे जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं दिस इज हाउ द वे दे यूज टू लिव ऑल दो आज के डेट में कुछ चेंजेस आए हैं इनमें एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड कि इस तरीके से भी रहने लगे हैं बट जनरली uh, जो हम बात करेंगे अभी द केस स्टडी दैट वी टॉक अबाउट विल बी बेस्ड अपॉन दिस थिंग ठीक है एक बुक भी इनके ऊपर लिखी गई थी ऑफ एफ्लुएंस विदाउट एब्यूडेंस जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिट है जेम्स सजमिन इन्होंने लिखी थी ऑल दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक बट आई जस्ट मैंशन इट आउट ठीक है Uh, अगर हम बात करें uh, इनके बायोलैट्रल किंडर्ड uh, जो डिसेंट टाइप है ये किस तरीके का है इफ़ आई हैव टू समराइज तो बेसिकली इनके केस में क्या होता है कि uh, ये अपने फादर और मदर दोनों टाइप के ही जो रिलेटिव्स होते हैं दोनों ही साइड से जो रिलेटिव होते हैं उनमें से uh, कुछ रिलेटिव्स के साथ दे फॉर्म अ कैम्प ठीक है और ये कैम्प आपस में एक जगह से दूसरे जगह जाता है और रहता है बिकॉज uh, जो हंड आर अ टाइप ऑफ एन नुमालिक सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज, तो एक जगह पे नहीं रहते ये घुमंतू टाइप के होते हैं इधर उधर जाते रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो फैमिली आप जिसको बोलते हैं और फैमिली से जो रिलेटेड किनशिप्स होती हैं उनके साथ ही ये इधर उधर जाते हैं और घूमते फिरते हैं और जो भी अपना सस्टेनेंस है वो करते हैं ऐसा नहीं होता है ये जो एक्स एक्सटेंडेड इनके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ भी कैम्प फॉर्म कर सकते हैं ठीक है और ये कैंप्स काफ़ी फ्लैक्सीबल होते हैं ऐसा नहीं है कि जिनके साथ एक बार कैंप फॉर्म कर लिया हमेशा वो उन्हीं के साथ रहेंगे मोस्टली ये एक सीज़न तक चलता है और उस सीज़न में इनको जहाँ कहीं भी जाना होता है ये इकट्ठे जाते हैं और चूंकि ये कोई पर्मनेंट स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करते ये हाथ्स बनाते हैं उसी हथ्स में आसपास में रहते हैं और मोस्टली ये जब खाने का समय होता है उस टाइम पे ये शेयरिंग का कल्चर फॉलो करते हैं इकट्ठे खाना खाते हैं इकट्ठे खाने के लिए चीज़ों का जुगाड़ भी करते हैं तो दैट इज़ वॉट काइंड ऑफ एन कल्चर दैट दे फॉलो ठीक है और इनके केस में जो इनहेरिटेंस वगैरह भी होती हैं वो आप फादर और मदर दोनों के ही साइड से की जाती हैं और मैरिड कपल के केस में भी ऐसा नहीं है कि आपको हस्बैंड के घर में ही रहना होगा या वाइफ को हस्बैंड के घर में ही रहना होगा या हस्बैंड को वाइफ के घर जाना होगा दे कैन डू वॉट एवर दे फील लाइक और ऑल दो इनके कम्युनिटी में ब्राइट सर्विसेज uh, भी दी जाती है तो जनरली जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर पर रह, रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ठीक है थीके? और ऑल दो ये जो कैंप्स वाली बात है वो इनके कल्चर का एक बहुत ही आप कह सकते हैं इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑल्सो ठीक है सो दिस इज़ वॉट अबाउट दी जो हन्शू कम्युनिटीज़ एंड This is it for today's lecture. I'll come up with the next lecture uh, tomorrow itself so that we finish 2.5 and move on to the uh, next topic. Alright, thank you so much.